मंदिर मुद्दे पे जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि अदालत में भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, जैसा भी फैसला होगा हमारी उस पर आस्था है। लेकिन जातिगत अगर देखा जाए, जो भी अति पिछड़ा एस टी का बिल आया उसके लिए जब अदालत ने कहा तो उसके विपरीत ये बिल बना और उसके बाद सारे कानून बन गए, तो क्या उसमें आस्था नहीं थी सरकार की? नहीं, आस्था है। अदालत तो हमेशा सम्मान की जगह है, पूरे सारे लोग वो करते हैं और भाजपा वाले तो उसका विशेष आदर करते हैं और उसमें हम आदर करते हैं, कहीं भी उसका अनादर का सवाल नहीं है, चाहे मंदिर का इशू हो चाहे इसमें। लेकिन कभी कभी समाज के लिए जब वो होता है तो कभी व्याख्या करके उसको नए से ठीक करना पड़ता है। मंत्री जी, जो एक ये विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें भाजपा के बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि विधायकों ने भी शिरकत किया, इसका विरोध जो है किया कि ये गलत हो रहा है और कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया था कि इस तरीके से प्रारंभिक जाँच तब होगी, गिरफ्तारी तब होगी, ऐसा क्या वोट बैंक की राजनीति माना जाए बीजेपी का ये, या फिर ऐसी कोई कि कोर्ट के ही चीज को जो है आपने जो है ला करके कानून बना दिया उसको कि हम कोर्ट के इधर जाकर के कानून बनाए? भाजपा के लोगों ने नहीं किया, व्यक्तिगत कोई कुछ भी कर सकता है और वो मुद्दा अब भी बरकरार रहेगा। नहीं, ये नहीं आई, इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिए। मैंने ये नहीं कहा होगा कि भाजपा मंदिर के मुद्दे पर आई है। भाजपा मंदिर भाजपा के लिए, भाजपा विकास के मुद्दे पर आई है, लेकिन मंदिर हमारा आराध्य है, मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के लिए हम लोग कृत संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होने के बाद भी कृत संकल्प सुप्रीम कोर्ट में है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ही है ना। जी, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, न्यायपालिका भी, वो कार्यपालिका भी हमारी है, विधान पालिका भी हमारी है, मंदिर बनाने को देश भी हमारा है, मंदिर भी हमारा है। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल, लोगों का कहना है कि 370 हटाते भाजपा के शासन में 370 हट गया, इस पर क्या कहना है आपका? क्या 370 हटाते, भाजपा ने कहा था 370 हटाएंगे, अब 370 हट गया, सामाजिक ताना वाना बिखरने की नौबत आ गई है, कई सारी पोस्टें आ रही हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, 370 और 370 में बहुत अंतर है। 377 CRPC का है और 370 संविधान का है, इन दोनों को एक ही में तालमेल करके करेंगे तब तो उसकी बात नहीं बनेगी। 377 हटा है उसको भी दुनिया ने सराहा है और 370 भी चिंता का विषय है। 377 CRPC है, CRPC नहीं, IPC है, अभी आपने CRPC निकल गया होगा, IPC है। से आप ऐसा करेंगे अब जबकि जो है प्रारंभिक जांच की भी जरूरत नहीं है गिरफ्तार करने के लिए, अगर बाद में जांच में वो निर्दोष पाया जाता है तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे उसके ऊपर जो दंड मिल चुका है उससे उसको निजात मिले? मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म केवल इतना ही है कि प्रशासन को ये पता लग जाए कि हमारा मुखिया ये चाहता है कि यदि फर्जी हुआ तो कार्रवाई होगी, इतना कहा जाना ही सबसे बड़ा मैकेनिज्म है, उसका प्रभाव दिखना चाहिए और दिखेगा इस सरकार का।